जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में लिखें ओम नमः शिवाय। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको तेज़ी से बड़ा आदमी बनना है, बहुत जल्दी बड़ा आदमी बनना है, चाहे आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, लेकिन वहाँ से आपको एक बड़ा आदमी बनना है। तो जल्द से जल्द आप कैसे बन सकते हैं, उसके क्या ट्रिक्स हैं, उसके क्या तरीका है, स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में बात करेंगे। महज केवल 5 पॉइंट होंगे, उनको अपने जीवन में अपनाएंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आपको सकारात्मक रिजल्ट इसके मिलेंगे। सबसे पहली बात कि जो भी काम हम करें उसका ढिंढोरा नहीं पीटें, क्योंकि होता यह है कि हम जो भी काम करते हैं काम पर कम फोकस देते हैं, और उसका ढिंढोरा पीटने पर लोगों को बताना और दिखाने में बहुत ज़्यादा हम अपना वक्त और टाइम ज़ाया कर देते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में जो भी काम, शुरुआत छोटे से ही होती है, उसे शांति से, साइलेंट तरीके से, चुपचाप तरीके से हमें करना है। दूसरा है कि सकारात्मक नजरिए से काम करना है, ना कि किसी व्यक्ति के पुराने अनुभव को आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखें या अपने से रिलेटेड करके देखें। तो सकारात्मक नजरिए से करना है, दूसरा पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। तीसरा है कि कर्ज से बचें इस दरमियान, क्योंकि बड़ा आदमी बनने के लिए मतलब सीधी सी जो हमारी भावनाएं हैं वो एक अच्छा जीवन है। तो कर्ज से बचें, क्योंकि कर्ज जो है वो व्यक्ति को सफलता में कहीं ज्यादा रोड़ा है और कई सारी परेशानी अपने साथ लेके आए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कर्ज ना लें, बहुत बच कर लें। जितने जैसे होता है ना कि हम रात का भोजन होता है कि जितनी भूख होती है उससे कम खाना चाहिए, वैसे ही कि जितनी की आवश्यकता हो उससे भी कम लेना चाहिए, ताकि हम समय पर चुका पाए और वो चीज़ें हम कर पाए। तो ये तीसरा पॉइंट हमेशा याद रखना है। जब भी कोई व्यवसाय, कोई भी कार्य करें आप, तो सबसे पहले तो कोई गलत काम हमें नहीं करना है। जो भी काम करना है उसके दस्तावेजिक प्रमाणिकता जरूर रखें, ये बात याद रखिएगा आप। क्योंकि जब हम किसी विषय पर काम करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट पर काम करते हैं, व्यापार हो, नौकरी हो, जो भी हो, तो दस्तावेजिक प्रमाण पत्र अपने पास होना जरूरी है। प्रमाण प्रमाण होना जरूरी है, उसके जो भी दस्तावेज है वो हमारे पास पावती के रूप में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो आने वाले समय में हमें बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाती है। इसके अनुसार दोस्तों, अनुसंधान, रिसर्च, जो भी हम चीज़ सीख रहे हैं, जो चीज़ें हम बता रहे हैं, या जो जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, उनमें हमारा रिसर्च जरूर रखें, और वो रिसर्च को अपने ऊपर अप्लाई भी करें कि कुछ नई चीज़ें हम उसमें सीखें, कुछ नए प्रयोग करें और अपने व्यापार में, अपने नौकरी में, अपने जिस भी बड़े आदमी के जो भी विषय पर आप काम कर रहे हैं उसमें उसे अप्लाई करें। और हाँ, ये सकारात्मक होना चाहिए और सही होना चाहिए। सकारात्मक और सही से सीधा सा मतलब है कि कोई भी गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, सब सकारात्मक और लीगल होना चाहिए। तो यही है आपको बड़ा आदमी बनाने के लिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।